इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे। ये है एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अगर आपके वॉशिंग मशीन का ये ड्रायर स्पिनर वाले ड्रम नहीं घूम रहे हैं, बंद हो गया है, तो कैसे आप अपने ये जो वॉशिंग मशीन की स्पिनर वाले पार्ट है उसको खुद से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियंस नहीं हैं, तब भी ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए बहुत ही सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, ताकि आप अपने घर में बिल्कुल फ्री में अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर स्पिन को चेक करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम आपको इसमें दिखाते हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। ये देखिए, ये है इसकी ड्रम। तो ड्रम कई बार जाम हो जाता है, जिसके वजह से सिंपल एक गुन करता है और ये घूमता नहीं है। ऐसे में एक बार इसे पकड़कर थोड़े से ताकत लगाकर इसे आप ऐसे घुमाएं, ताकि नीचे से कोई जाम वगैरह हो वो खुल जाए। उसके बाद आप अपने इस वॉशिंग मशीन की ड्रायर टाइमर को ऑन करेंगे और बिजली की बोर्ड से स्विच ऑन रहेगा, तो इस तरीके से आपके वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर के ड्रम है वो घूमने लगेगा। अगर आपने चेक कर लिया ऐसा नहीं हुआ, तो सिंपल आपको यहाँ से टाइमर ऑफ करने हैं, बिजली की बोर्ड से वॉशिंग मशीन की प्लग वायर को बाहर निकालने हैं। अब हम चलते हैं अपने इस वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड से दिखाते हैं। ये देखिए, हम इसको पीछे के साइड से दिखा रहे हैं। इसमें लगे हुए कवर, जिसमें छोटे छोटे पैंच लगे होते हैं, जिसे हमने पेंचकस की मदद से निकाल दिए हैं। तो अब इसकी कवर को खींचकर खोलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से खोल देंगे। अब यहां पर हम तो पहले ये चीज चेक करते हैं, ये होता है एक ब्रेक वायर। ये देखिए, हम आपको इसको करीब से दिखाते हैं। तो ये देखिए, उस ब्रेक वायर मोटर में लगे हैं। कई बार किसी मोटर में ऐसे फॉल्ट भी आते हैं। ये जो ब्रेक वायर है, ये देखिए, यहां से ये मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसे खुल जाते हैं और वो इसके फुल्ली में जाकर चिपक जाता है और टाइट हो जाता है, जिसके कारण से वॉशिंग मशीन की मोटर में तो करंट जाता है, लेकिन जाम होने के कारण से वो नहीं चलता है। तो आप ये जो ब्रेक वायर है उसे ऐसे खींच कर देखें, चेक करें कि आपकी जो वॉशिंग मशीन की मोटर है वो ऐसे फ्री घूम रहा है या नहीं। अगर ये जाम हो गए हों तो ब्रेक वायर को थोड़े से खींच कर बांधे, ताकि वो हल्के से फ्री हो जाए, और यहाँ पर ये मोटर में थोड़े से ऑयलिंग वगैरह करें, ताकि जाम है तो वो फ्री हो जाए। तो इस तरीके से चेक करें कि जाम है तो उसको फ्री करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर ये चेक करेंगे, अगर हमारा वॉशिंग मशीन की मोटर ठीक है, जाम नहीं है, तो यहाँ से हम ऊपर से देखेंगे कि ऊपर की कोई सील है वहां पे रबड़ का, वो कहीं फट तो नहीं गया, वहां से पानी आकर हमारे मोटर जो है भीग तो नहीं गया है, गीला तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सील की फटने की वजह से पानी मोटर में गिरते हैं और आपके वॉशिंग मशीन के मोटर खराब हो जाते हैं, जिसके कारण से नहीं चलता है। तो आपने यहाँ पर दोनों चीज चेक कर लिया, मोटर जाम नहीं है, नहीं आपके वॉशिंग मशीन की मोटर गीला है। तो अभी आपको ये चीज चेक करना है फ्रेंड, इनके वायर्स होते हैं उसे ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, हम आपको फॉर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, आप अपने वॉशिंग मशीन को ध्यान से चेक करेंगे, इनकी एक एक वायर को बारीकी से देखेंगे। तो अक्सर घर में चूहे वगैरह होते हैं, वो अक्सर अपना खाना वॉशिंग मशीन के अंदर भी ले जाकर खाते हैं और वॉशिंग मशीन के तार को काट देते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करो, एक एक तार को बारीकी से देखो, कोई तार कटे हैं तो उसे कलर से कलर और साइज को मिलाकर ज्वाइन कर सकते हो। नीचे में चेक करने के बाद आपको अगर नहीं दिखता है कोई भी वायर कटा हुआ, तो यहाँ पर देखिए, ये है कि एक ड्रेन वाली रस्सी, इस रस्सी को खोलना है। तो ये देखिए, इस रस्सी को खोलना है इस तरीके से। तो रस्सी के खोलने के बाद आपके वॉशिंग मशीन में ये ऊपर वाले पार्ट जो है खुलेगा। इसमें लगे होते हैं कुछ स्क्रूज, ये देखिए, इस तरीके से चेक करेंगे, इसमें जितने भी स्क्रू लगे हैं उसे आप खोलेंगे। तो चलिए मैं इनके स्क्रू को फटाफट खोल देता हूं। इस तरीके से चारों साइड चेक कर लेंगे। तो फिर ये देखिए, हमने इनके स्क्रू को निकाल दिए हैं। इसी तरीके से आप भी
पेचकस की मदद से इसके ऊपर वाले पार्ट के स्क्रू को खोल देंगे। अब इसके ऊपर के पार्ट्स को हम हटाते हैं, ये देखिए। तो हमें इसके ऊपर वाले पैनल को खोलना होगा। पैनल को खोलने के लिए ये पैनल इजी नहीं खुलते हैं, लॉक्स होते हैं, तो इसको थोड़े से साइड से ऐसे ठोकेंगे तो इसमें जो लॉक होंगे वो फ्री हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ये खसक चुका है। अब सिंपल आपने वॉशिंग मशीन को इस जगह को ऐसे पकड़कर इसके ऊपर वाले पार्ट को खोल सकते हैं। तो फिर ये देखिए, जब आप अपने इस वॉशिंग मशीन के ऊपर के पैनल को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको चेक करना है, अच्छे से ध्यान से देखने हैं कि इनके ऊपर से कोई तार तो काटा तो नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, हमारे भी इस वॉशिंग मशीन में चूहे घुस गए थे तो वायर को काट दिया था, जिसे हमने ये देखिए सिंपल कलर से कलर और साइज को मिलाकर जोड़ दिया है। तो इसी तरीके से आप चेक कर लो ऊपर कोई तार कटे हों तो उसे कलर से कलर और साइज को मिलाकर जोड़ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर चेक किया कि कोई भी तार आपके वॉशिंग मशीन में नहीं कटा है तो यहाँ पर आपको ये एक चीज है उसको चेक कर लेना है। ये देखिए, ये है डोर और ये है डोर में लगे एक चिमटी जैसे स्विच। जैसे ही हम इस डोर को उठाते हैं, ये देखिए, तो ये जो चिमटी जैसे स्विच है वो वहां से अलग हो जाता है। जैसे ही हम इस डोर को रखते हैं, ये देखिए, तो वो आपस में जुड़ते हैं। यानी कि हम जब डोर को खोलते हैं तो ये ऑफ हो जाता है और डोर को रखते हैं तो ये ऑन हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसमें भी जंक वगैरह आ जाते हैं जिनके कारण से ये प्रॉपर जुड़ता तो है लेकिन वो करंट की सप्लाई नहीं होता। तो इसे हमें टेस्टर या पेचकस की मदद से थोड़े से इसको घीस लेने हैं ताकि इसमें जो जंक वगैरह लगे हों वो साफ हो जाए। इस तरीके से घीस लेने हैं और ये देखने हैं कि जब हम डोर रखते हैं तो ये प्रॉपर जुड़ रहा है या नहीं। अगर नहीं जुड़ रहा हो तो इसको थोड़े से दबाएंगे नीचे के साइड ताकि ये जब हम इसको डोर को रखेंगे ये ऐसे वो प्रॉपर जुड़ने लगेगा। तो जब आपने इस तरीके से चेक कर लिया ऊपर कोई भी तार नहीं कटा है और ना ही इसके ये जो स्विच है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो चलिए हम आपको नीचे दिखाते हैं अब आप और क्या चेक करेंगे। तो फिर जब आप ऊपर चेक कर लिए, आपको ऊपर में भी ऐसा कोई फॉल्ट नहीं दिखा, तो अब हम इसको कैसे चेक करते हैं कि हमारा वो जो मोटर है वो कहीं खराब तो नहीं है। इसको कंफर्म करने के लिए ये है इनकी कैपेसिटर। चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो ये इसके जितने भी वायर है हम इसे खींच कर इस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इनके वायर को अच्छे से जमा लेता हूं। तो यहां पर अभी हमें इनके वायर्स को पहचानने होंगे। तो ये है इसकी कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में नंबर्स और नाम वगैरह लिखे होते हैं वायर से। यहां पर देख पा रहे हो हमारे इस कैपेसिटर में चार वायर है, इसके मतलब इसके अंदर दो कैपेसिटर लगे हैं। एक तो है 10, दूसरा है 5 वाला, यानी कि एक थोड़ा ज्यादा है और दूसरा वाला कम होता है। तो जो ज्यादा वाला होता है वो होते हैं इनके वास वाले मोटर के, और जो इसमें से कम नंबर्स के होते हैं वो होते हैं इनके ये जो ड्रायर वाले मोटर है उनके। तो हमारे इस कैपेसिटर में जो 5 mFD है वो कम नंबर्स के हैं। तो यहाँ पर इनके वायर के कलर कोड भी लिखे होते हैं, ये देखिए वाइट प्लस येलो, ये इनके कलर कोड है। तो यहाँ पर हम इसमें चेक करते हैं तो ये है हमारे पास, ये देखिए ये वाइट है और ये पीला वाला है। तो ये जो वायर है ये देख सकते हैं आप, यहां से होकर वो जो ड्रायर मोटर की वायर है उसी में गया हुआ है। तो इस तरीके से आप इस कैपेसिटर से ये चेक करेंगे कि कौन सी वायर है जो कि हमारे ड्रायर मोटर के साथ कनेक्ट है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमें इनके वायर्स को खोलकर चेक करने होंगे। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटर ही अंदर से खराब हो गया हो, इनके तार खराब हो गए हैं, तो इसके लिए हमें
ये जो वायर हैं कैपेसिटर जो कि हमने चेक किए हैं कि ये स्पिन मोटर में गए हैं, तो हम इन्हीं दोनों वायर को खोल देते हैं। जो कैपेसिटर के वायर हैं वो अलग हो जाते हैं। ये देखिए, अब हमें इस वायर को थोड़े से सेट कर लेने हैं, इस तरीके से जमा देने हैं ताकि ये ज्यादा बिखरा हुआ नहीं हो। ये देखिए, तो मैंने इनके वायर को कुछ इस तरीके से ऐसे मोड़ लिया है। अब आप ये कंफर्म कर सकते हो कि ये आपके वॉशिंग मशीन के जो स्पिन वाले कैपेसिटर है वो खराब है या फिर नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड। ये है हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड। ये कंफर्म कर लेते हैं कि बोर्ड में पावर है या नहीं है। ये देखिए, स्विच ऑन है, इसमें पावर आ रहा है, यानी कि हमारा ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो बिल्कुल ठीक है। अब इस कैपेसिटर को चेक करना बहुत ही आसान है और बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो मैं यहाँ से स्विच को फिलहाल ऑफ कर लेता हूँ। इनके एक एक वायर को इनके सॉकेट में इस तरीके से हम लगा देते हैं। ये देखिए, जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ, थोड़े से इसको वायर को इस तरीके से हिलाते हैं तो ये थोड़ा स्पार्क करता है। ये देखिए, अब हमें इनके दोनों वायर को आपस में जुड़ाना है। ये देखिए, तो बहुत थोड़ा सा स्पार्क आया है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, स्विच को ऑन किए हैं, इसके बाद फिर से हम इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं। तो ये आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर की जो कैपेसिटर है उनकी वायर की सप्लाई सही होंगे तो ये स्पार्क करेंगे, चिट चट जैसे इसमें आवाज आएंगे। अगर इसमें से कुछ भी आवाज नहीं आता है, कुछ भी बिल्कुल ही नहीं आता है, तो ये जो कैपेसिटर के वायर अंदर से वीक भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपल, एक बार आपके वॉशिंग मशीन में जितने भी नंबर्स के कम नंबर्स वाले कैपेसिटर के नंबर हैं, उसी नंबर का एक सिंगल कैपेसिटर ले सकते हैं। आप मार्केट से उस कैपेसिटर में लिखे हुए सेम नंबर्स के कैपेसिटर लाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल्स एक मेरे पास ऐसे ही कैपेसिटर पड़ा है, उसको दिखा रहा हूं। तो हमें क्या करने हैं, एक नया कैपेसिटर लाने के बाद जो तार हमने यहाँ से उस कैपेसिटर के काटे हैं, सिंपल उस नए वाले कैपेसिटर के एक एक वायर को हम उसी वायर के साथ ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए, तो मैंने इसको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद उसमें अच्छे से टैपिंग कर लेंगे ताकि कोई भी तार कहीं जुड़े नहीं और बाद में नुकसान ना हो। फिर ये देखिए, हमने उस कैपेसिटर के वायर को जोड़ दिया है और दूसरे ये जो कैपेसिटर जिसे हमने डिस्कनेक्ट किया है उसमें भी कुछ टैपिंग करके इस वायर को हमने अलग कर दिया है, क्योंकि अब ये कैपेसिटर का कोई वैल्यू नहीं है, इनके वायर के भी कोई मतलब अब नहीं रहा है। तो ये कैपेसिटर अलग हो चुका है। एक नया सेम नंबर्स के कैपेसिटर लाकर सिंगल लगाकर आप चेक कर सकते हैं। तो फिर जब आप एक कैपेसिटर लगा ले, उसके बाद ये जो वॉशिंग मशीन की प्लग वायर है उसे बिजली की बोर्ड में लगाने हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर लगा रहे हैं, के बाद इसके स्विच को ऑन करने हैं। देखिए, हमने स्विच से ऑन कर दिया है। ये है ड्रायर के टाइमर बटन, इसको घुमाकर हम ऑन करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा वॉशिंग मशीन का स्पिन ड्रायर घूम रहा है। तो कई बार ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट आ जाते हैं जिसे हम इजी खुद से अपने घर पर ही चेक कर सकते हैं। अगर आपके वॉशिंग मशीन ठीक हो गया तो यहां पर देखिए, इनकी स्विच को निकाल दीजिए। अब ये जो ड्रेन की रस्सी हमने खोल दिए थे उसे यहां पर फिर से लगा देंगे और पूरे ये जो वायर वगैरह है उसको अच्छे से जमा लेंगे और इसके पीछे की कवर को लगा देंगे। इस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इतना चेक कर लिया फिर भी नहीं चला तो हो सकता है कि आपके वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो खराब हो गए हो, उसे चेंज कराना पड़े। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। फिर से मिलेंगे हम कोई नई वीडियो में आपके लिए नई जानकारी लेकर।